श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक ऐसे विषय पर आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका मैंने खुलेआम विरोध किया हमेशा। कर्ण पिशाचिनी के विषय में मेरा जो एक व्यक्तिगत अनुभव रहा था, या यूं बोले कि मैंने जो अपने आसपास के लोगों को देखा था, मुझे यही समझ थी कि कर्ण पिशाचिनी की साधना नहीं करनी चाहिए। और मैंने लोगों को पागल होते देखा, बीमारी से मरते देखा, घर छोड़ के भागते देखा, कर्ण पिशाचिनी चलते। परंतु कालांतर में निरंतर अभ्यास और शोध जो मैं कर रहा हूँ, उस क्रम में मुझे एक साधु मिले, अघोरी मिले, तांत्रिक मिले, जो भी आप उनको कहना चाहें। उनके विषय में मैंने कहीं से सुना था, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनको बोला कि आप जिस रूप से भविष्य बताने का दावा करते हैं, ये बहुत लोगों के लिए अति घातक, अति अहितकारी है, और आपके जीवन पे भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य जानने के बाद बहुत तरह की घटनाएं जो हैं वो बदल जाती हैं, और आप पे इन शक्तियों का प्रभाव भी होता होगा। तो आप ऐसी साधना करते क्यों हैं, आपको लोग इतना मानते हैं? ये गंगा के तट की कहानी है, नहीं, कोसी के तट की कहानी है, कोसी के तट के श्मशान की कहानी है। तो पहले तो उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया, और फिर मुझसे पूछने लगे कि क्या जानते हो इनके बारे में। मैंने कुछ एकाध विषय बताया, कुछ एकाध विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला, और उन्होंने बोला कि समझ तो आपकी है, परंतु कुछ स्थान पर आपकी समझ गलत है, समझ में आपके फेर है। मैं थोड़ा रोष में आया, लेकिन फिर उनको बोलने का मौका दिया। तो उन्होंने बताया कि पिशाचिनियों को जीवन में कितना हक देना है, ये एक साधक पर निर्भर करता है, और कई पिशाच के सौम्य मंत्र हैं। तो उन्होंने समझाया कि आप किसी को अपने जीवन में कितना हक देते हैं, उस पर निर्भर करता है वो आपके जीवन पर कितना हक बताएगा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे साबर के मंत्र हैं, ये है, वो है, उन्होंने बताया ये सब नहीं। उन्होंने एक विशेष ग्रंथ का नाम लिया, बोला उसके माध्यम से अगर पिशाच की साधना की जाए तो पिशाच सिर्फ अपना काम करता है, आप पे आधिपत्य नहीं जमा पाता है। और पिशाच जो कर्ण पिशाचिनी है, विशेषकर उनके बारे में बताया कि सिर्फ वो भविष्य या भूत नहीं बताती हैं, वो कई तरीके के और भी आपके प्रयोजन में और आपकी साधना में आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन जो लालची व्यक्ति है, जो लालची पुरुष है, उनका सत्यानाश होना तय होता है, क्योंकि उनको देख करके वो मुक्त हो जाते हैं। उसी ग्रंथ को पढ़ के मैं आपके सामने आज तीन अलग अलग कर्ण पिशाचिनी मंत्र बताऊंगा। इसमें जो पहला मंत्र है वो साधक को सर्वज्ञ कर देता है। सर्वज्ञ का मतलब महादेव नहीं बना देगा, परंतु सर्वज्ञ का मतलब है कि अगर आपके सामने कोई बैठेगा तो वो क्या है, वो क्यों है, वो किस उद्देश्य बैठा है आपके सामने, ये आपको आभास हो जाएगा। दूसरा जो मंत्र है उसमें किसी भी व्यक्ति का भूतकाल और उसका वर्तमान कर्ण पिशाचिनी आपके कान में बता के चली जाएगी। और तीसरा जो सबसे अजूबा और सबसे हैरतअंगेज करने वाली साधना जो मैंने पढ़ी, वो थी जिसमें कि ये यक्षिणी रोज़ आपके पास पैसा आए ऐसा व्यवस्था कर देती है, और जब उनको बुलाया जाए तो जवाब तो देती है, क्योंकि ये एक कर्ण पिशाचिनी का दायित्व बनता है कि जो भी साधक उसको सिद्ध कर ले उसको उसके सवालों का जवाब मिले। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो साधना है उसमें आपको सिर्फ सरसों तेल का दीपक चाहिए, ठीक है? आपको क्या करना है कि एक सरसों तेल का दीपक लीजिए और उसमें उसको जला करके छोड़ दीजिए दिन भर। जब रात में आप सोने जाएं
या शैया का समय हो, उस समय उस दीपक का तेल लेके अपने पैरों में लगा ले, ठीक है, और रोज इस मंत्र का थोड़ा थोड़ा जाप करें, ठीक है। 1 लाख जिस दिन आपका ये मंत्र पूरा हो जाएगा, उस दिन से आपको लोगों के बारे में पूर्ण ज्ञान होने लगेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो क्यों हैं, आपसे क्यों जुड़े हुए हैं। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ये साधना कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई ना हो। आपको जो लोगों के बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाएगा वो लगभग 21,000 जाप के बाद होने लगेगा, परंतु जो भी आपको ज्ञान हो वो किसी को बताए नहीं। जैसे ही आप बताना शुरू कर देंगे लोगों को कि आपको ये आभास हुआ है, आपका आभास होना खत्म हो जाएगा, फिर से आपको पूरी साधनाएं करनी पड़ेंगी। इस साधना का मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीम कर्ण पिशाची मे कर्णे कथया हुम फट स्वाहा। अब देखो, जो बिहार झारखंड यूपी के लोग हैं, हमारे यहाँ कर्ण पिशाच नहीं बोलते, कर्ण पिचास बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, मंत्र में पिशाच है, तो ओम ह्रीम कर्ण पिशाची मे कर्णे कथय हुम फट स्वाहा। सिर्फ जला हुआ जो तेल होता है दिया का, उसको पैर में लगा करके 1 लाख जाप आपको इसका पूरा करना है अपने बिस्तर पर बैठ करके, और आपको जो है आभास होना, सर्वज्ञ होना आप शुरू हो जाएंगे। ओम ह्रीम कर्ण पिशाची मे कर्णे कथया हुम फट स्वाहा। दूसरा जो मंत्र है उसका 1 लाख जाप करने से ये सिद्ध होता है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, जो आम की लकड़ी होती है ना, उसका पटरा बनाया जाता है, और उस पटरे पे 108 बार मंत्र को लिखकर एक एक पटरे का हम पूजा करते हैं, मतलब धूप दीप नवेद देते हैं, और उसको अपने सर के नीचे रखकर सो जाते हैं। मतलब रोज हम एक पटरे को अपने सर के नीचे रख के सोएंगे। एक पटरा आम का लिया, उस पर लिखा मंत्र को, उसको फिर सर के नीचे लेकर के सो गए पूजा करने के बाद, ठीक है। स्वप्न में आपको जो कर्ण पिचासनी है, जिस दिन आप ये 108 पटरा का 108 दिन में 1 लाख जाप कर लेंगे, तो कर्ण पिचासनी आपको नींद में ही आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब देगी। अच्छा, ये जो नींद होता है आम नींद, और ये जो स्वप्न होता है आम स्वप्न से ज़्यादा जागृत होते हैं, आप इसमें कॉन्शियस रहते हैं, आपको ध्यान रहता है कि आपको क्या सवाल पूछना है। जो 3 लाख इस मंत्र का जाप कहता है, कहते हैं उसको प्रत्यक्ष हो करके पिशाची देवी जो है वो दर्शन देती है, और भूत वर्तमान भविष्य जो भी है सबका ज्ञान देती है। ऐसे बाकी किसी भी कर्ण पिशाची मंत्र से भविष्य का ज्ञान या भविष्य का बोध नहीं हो सकता है, लेकिन इस मंत्र से भविष्य का भी बोध होता है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत करनी प्रवीश अतीता नाग तव वर्तमानः सत्यम कथ्यम मे स्वाहा। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी, देखो फिर पिशाचिनी आता है मेरे मुंह में, ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत करनी प्रवीश अतीता नागत वर्तमानः सत्यम कथया मे स्वाहा। इस मंत्र का 1 लाख जाप करिए तो स्वप्न में भगवती आएंगी, मतलब पिशाचिनी जैसे कर्ण पिशाचिनी देवी आएंगी, और 3 लाख जाप कर लोगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है वो क्या है? वो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कहीं सुना भी नहीं था, लेकिन ग्रंथ के अध्ययन के बाद मुझे समझ में आया कि कर्ण पिशाचिनी देवी भूत भविष्य का ज्ञान देने के अलावा भी आपको धन का भी एक मार्ग देती है। कहते हैं कि जो इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है उसके जीवन में अमूल्य धन आता है, और वो रोज आता है, वो कोई एक बार की बात नहीं है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को 21 दिन तक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जप करना चाहिए, और जब जप करेंगे तो समय तो आप भोजन करेंगे नहीं, जब सायंकाल होगा, जब सुबह से शाम तक जप कर लिया तो जो भोजन करेंगे वो चावल करेंगे, तो उस चावल का एक पिंड गोला बना करके
और उसको जा करके छत पर आप फेंक दें, ठीक है। जब 21 दिन मतलब 3 सप्ताह होता है तब जा करके जो कर्ण पिशाचिनी है वो आप पर प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होने के बाद हर रोज आपका जो धन का आगमन है वो शुरू हो जाता है, रोज आपको कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति होती रहेगी और लगभग ये धन जो है समान होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पिशाचिनी के ही प्रभाव से ये धन आ रहा है, क्योंकि वो धन जो होगा वो समान होगा। मतलब अगर 1,000 रुपये दिन आ रहा तो 1,000 रुपये दिन ही आएगा, 2,000 आ रहा तो 2,000 आएगा, 1 लाख आ रहा तो 1 लाख आएगा, वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो जो आप उनसे पूछिएगा उसका उत्तर वो कान में देती हैं, ठीक है। तो आप एक सवाल पूछिए, दो सवाल पूछिए, तीन सवाल पूछिए, मंत्र पढ़ करके 4 सवाल पूछिए, तो क्रमवद जो है आपको सारे सवालों का जवाब आपके कान में मिल जाता है। तो ये 3 विद्याएं हैं कर्ण पिशाचिनी की, जिनको जरूरत है वो करे, सबको तो जरूरत होता नहीं है पिशाच सिद्ध करने की। महादेव हैं, भैरव हैं, महाकाली हैं, महामाया हैं, वीर हनुमंत हैं, इनकी साधना करके ऐसे ही जीवन में सुख शांति रहती है। लेकिन जिसको एडवेंचर चाहिए, जिनको किसी का भूत भविष्य जानना है, या जिनको बहुत परेशानी है, अकेले रहते हैं, भोजन के भी लाले हैं, तो वो तीसरा जो यक्षिणी का मैंने मंत्र दिया है उसकी साधना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, बेसिक साधना जिसमें हम सिखाते हैं, वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको साधना का जो शुरुआती विधान है, तंत्र मंत्र यंत्र, वो सिखाते हैं। भैरव जी की साधना करना सिखाते हैं, तांत्रिक विधान से पूजा पाठ और भोग देना हवन करना ये सिखाते हैं। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरा वेबसाइट www.अघोरतंत्रहस्य.com है। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी की रक्षा करें और आप लोगों को सद्बुद्धि दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।